हुआ है देखिए तो थोड़ा। रिकॉर्डिंग ठीक है चलिए। ओके गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा तो बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस या इक्विटी डेरिवेटिव जो भी नाम से पुकारी आप, तो आज इक्विटी डेरिवेटिव में आज आपको पता चलेगा डेरिवेटिव नाम क्यों आया। तो डेरिवेटिव डेरिवेटिव चिल्लाते रहते हैं ना, ये डेरिवेटिव नाम कैसे आ गया या आज इसका थोड़ा जस्टिफिकेशन मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग देवू जी। तो गुड हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ओके तो इक्विटी डेरिवेटिव में डेरिवेटिव वर्ड जो है, बेसिकली डेरिवेटिव वर्ड का सिंपल मतलब यही होता है कि समथिंग न्यू डिराइव करना, ठीक है। और डेरिवेटिव वर्ड के साथ कनेक्शन नॉर्मली स्टूडेंट्स लाइफ में, स्कूल लाइफ में होता है ना। स्कूल लाइफ में स्पेशली जो लोग मैथ्स मैथ्स करता है, किसी किसी के केस में क्लास 9 10 में भी होता है, 11 12 में भी होता है। साइंस वाले बच्चे लोग जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग ज़्यादा करता है नॉर्मली। बाकी लोग क्लास 10 तक भी डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर सुना है, लेकिन स्कूल में 11 12 लेवल में जो लोग साइंस करता है या प्योर मैथ्स का पेपर लेता है उनको कराया जाता है। जो लोग CS CMA का पढ़ाई करते हैं उन्हें भी कराया जाता है। इवन जो लोग बाद में मास्टर्स वगैरह करता है, इकोनॉमिक्स को लेके पढ़ाई करता है, उन्हें भी करना पड़ता है। और जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री करता है उन्हें भी करना पड़ता है। उन्हें तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, फिजिक्स वाले के लिए तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लग रहा है मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ? अरे बाबा इतना नॉलेज नहीं है फिजिक्स का, नॉलेज नहीं है। तो फिर कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट इज दैट कि आज मैं आपके साथ ऑप्शन ग्रीक के बारे में बात करूंगा। ऑप्शन ग्रीक में डेल्टा के बारे में मैंने रिसेंटली डिटेल्स में डिस्कशंस किया। डेल्टा क्या है, कहाँ से आता है, और डेल्टा को यूज करके आप अपना ट्रेड कैसे चूज कर सकते हो। मतलब ये स्टार्टिंग से एक सवाल आप लोगों से आता था कि सर कौन सा स्ट्राइक चूज करें। स्ट्राइक चूज के ऊपर बेस करके आप OTM में रहोगे कि ITM में रहोगे कि ATM में रहोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मनीनेस, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे प्रीवियस सैटरडे वाला क्लास जो हुआ था उस पर इसका पूरा डिटेल्स डिस्कशन हुआ है कि डेल्टा को यूज करके आप अपना ट्रेड सेटअप कैसे बना सकते हो। आप एक स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो और उसके ऊपर बेस करके आप अंडरलाइन को देखते हो, है ना। क्योंकि स्ट्राइक प्राइस चूज करके आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लेते हो और अंडरलाइन के बेसिस में ही आपका पूरा वैल्यू चेंज होता है। मतलब मार्केट इज ऑल अबाउट अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट के मूवमेंट को जो समझ लिया, स्पॉट मार्केट का जो मूवमेंट है उसका जो डेराइवेशन है, जिसको हम लोग बार बार बता रहे हैं डेरिवेटिव के नाम पे, स्पॉट मार्केट का मूवमेंट को जो समझ ली, वो इंट्राडे का मार्केट हो, फंडामेंटल करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट, जस्ट उसमें कॉल ऑप्शन चूज करें या पुट ऑप्शन चूज करें, हर चीज में आपको एक हमेशा एक सेंस क्रिएट करेगा। जैसे हम लोग रिसेंटली लास्ट 1 वीक से हम लोग जिस तरह का मार्केट ट्रेंड समझ रहे थे, क्या मार्केट वैसा ही परफॉर्मेंस दे रहा है सुमित जी? हम लोगों ने ठीक जैसा सोच रहा वैसा ही मार्केट जा रहा है ना। मार्केट तो कल बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, लेकिन रिकवरी दे दिया। वही वही मैं बोल रहा हूँ आज अब। अब गैप अप ओपनिंग हुआ है, रिकवरी दे रहा है। मतलब जो गैप डाउन जो हुआ ना जितना कल से, वो अब हाँ पूरा फील कर रहा है। वही फील वही चीज। करेगा फिर वापस से वो बढ़ेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो लास्ट, सर ये हुआ क्यों सर? एग्जैक्टली हाँ जी बोलिए। ये हुआ क्यों? गैप डाउन ओपनिंग हुआ क्यों कल? गैप अप गैप डाउन बेसिकली मार्केट मोमेंटम के कारण होता है। मार्केट में नहीं अगर पहले नहीं सर, कल जो से गैप जो, डाउन, कल जो गैप डाउन हुआ सर, ये क्यों? US का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया इसलिए क्या? बहुत सारा रीजंस काम करता है, इंटरेस्ट रेट का मैटर भी है, हो सकता है कुछ पुराना कॉन्ट्रैक्ट, पुराना जो पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो लोग और ज़्यादा बाइंग ऑर्डर देके रखा है। स्पेशली जो फ्यूचर ऑप्शंस मार्केट में जो वॉल्यूम काम करता है, ठीक है, वो सब ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये सब इफेक्ट करता है। गैप अप गैप डाउन के बारे में डिटेल्स किया था ना डिस्कशंस, एक बार वो वाला देखिए ना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल एक मार्केट फेनोमेना है, गैप अप गैप डाउन तो मार्केट में होता रहता है बीच बीच में। बट आप एक बार इस बात को ध्यान ध्यान से देखिए, लास्ट 1 वीक से हम लोग मार्केट के बारे में
ठीक जिस तरह का एनालिसिस करने का कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट मूवमेंट, मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट कि मार्केट मूवमेंट, हम लोग मार्केट मूवमेंट को ठीक जैसा रीड किया मार्केट उसी रेंज में जा रहा है। जब से गिरना चालू किया हम लोगों ने बोला कि मार्केट मोटा मोटी 17,400 के रेंज पे घुमा फिरा करेगा, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग मार्केट डायरेक्शंस को समझ पा रहे हैं, ये एक मैटर है। तो लेकिन ये तो एक शॉर्ट टर्म मैटर है। अब इसको हमेशा सही करने के लिए बहुत सारा पैरामीटर हमारे सामने आ जाता है। जैसे आपको मैं अभी ऑप्शन ग्रीक के बारे में जो बात कर रहा हूँ, ऑप्शन ग्रीक में जैसे ये मैंने बेसिकली ऑप्शन बिल्डर पे आ गए सर, सेंसिबल सॉफ्टवेयर आप लोगों को मैं बोला, ठीक है आप लोग वहाँ पर जाके वर्चुअल ट्रेड भी ले सकते हैं, ठीक है, और उसका प्रीमियम वैल्यू भी है, उसमें आप लॉग इन करके ले सकते हैं। सेंसिबल सॉफ्टवेयर है एक, ठीक है ठीक है। लेकिन आपको मैं जो भी बताने जा रहा हूँ, देखिए ऑप्शन ग्रीक जो होता है, ठीक है, जो भी ऑप्शंस आपके सामने होता है उसका, ये देखिए सर, ठीक है, डेल्टा थीटा टेका गामा वेगा, ठीक है, ये देखिए ये आपका एक चल रहा है, ठीक है, ऑल ऑप्शंस में सितंबर 1 को इसका एक्सपायरी बता रहा है। लेकिन मेरा पॉइंट इज दैट कि जैसे मैंने लास्ट कुछ दिनों से आपको डेल्टा के बारे में बताया, इवन सैटरडे का क्लास जो था उसमें मैंने डेल्टा का पूरा एप्लीकेशन एरिया बताया कि डेल्टा क्या, डेल्टा का नंबर आपको क्या बताता है, डेल्टा का नंबर आपको क्या बताता है। अगर बाई चांस सैटरडे वाला क्लास आप लोगों का मिस है, मैं एक बार फिर से बोलूंगा आप लोग प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिएगा, बिकॉज बहुत वाइटल डिस्कशन। आज मैं आपके साथ जो डिस्कशंस करने जा रहा हूँ वो है गामा। आज मैं आपके साथ गामा के बारे में बात करूंगा। ये जो गामा गामा ये जो बता रहे हैं ना 0.87, 0.087, 0.097, लेकिन ये पॉइंट समझने से पहले आपको समझना होगा गामा क्या है। जैसे डेल्टा क्या है, डेल्टा बेसिकली सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक, अंडरलाइन के चेंज के कारण, अंडरलाइन के चेंज के कारण स्पॉट मार्केट का जो चेंजेस है, स्पॉट मार्केट के चेंजेस कारण आपका ऑप्शंस मार्केट में जो चेंजेस नजर आता है, स्पॉट के चेंजेस के कारण ऑप्शंस में जो चेंजेस आता है, अंडरलाइन के कारण आपके मार्केट में जो चेंजेस आता है, प्रीमियम में जो चेंजेस आता है ना, प्रीमियम वैल्यू पे जो चेंजेस आता है, वो हमें बता रहा था कि डेल्टा का यूज क्या करना है। जो मेरा लास्ट वीक का डिस्कशन था डेल्टा में, मैंने 3 दिन में मैंने डेल्टा को कवर किया, डेल्टा पार्ट 1, डेल्टा पार्ट 2, डेल्टा पार्ट 3, ठीक है, और मैंने कोशिश किया काफी डिटेल्स में ही इसको कवर करने का कोशिश किया। अभी मैं जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहा हूँ ना, ये है गामा, ठीक है। आपको पहले ये समझना होगा, जैसे कि लास्ट कुछ क्लास में जैसे आपको मैं डेल्टा कवर किया, ठीक है, कि जब भी कोई ऑप्शन आप चूज करने जाते हैं वहां पर आपको डेल्टा नजर आता है, और डेल्टा का मतलब आपको जैसे पता चला, इसी तरह से मैं आपको गामा के बारे में बात करूंगा। अगर किसी का डेल्टा मिस है प्लीज एक बार डेल्टा को अच्छे से पढ़िए, अगर बाय चांस मिस हो गया प्लीज एक बार वापस गो थ्रू कीजिए। मैं इतना बोलता हूँ कि एक बार अगर समझ जाएंगे ना, फिर धीरे धीरे मार्केट प्रैक्टिस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और लास्ट दिन तो मैंने ये वाला एप्लीकेशन भी दिया था कि आप अलग अलग प्रीमियम ऑप्शन में, अलग अलग प्रीमियम ऑप्शन में आप किस तरह से मार्केट में ट्रेड सेटअप कर सकते हो। ये लास्ट क्लास का डेल्टा का एप्लीकेशन एरिया में जबरदस्त चर्चा हुआ था, सीरियसली, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जैक्टली कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या हो सकता है, आप उसमें कितना पोजीशन ले सकते हो, इसके ऊपर बहुत डिटेल्स में मैंने ऑब्जर्वेशन दिया था, ठीक है। मतलब क्या करना चाहिए, आपका माइंड सेटअप क्या होना चाहिए, ठीक है, ये माइंड सेटअप आपको डेल्टा के थ्रू से समझाने का पूरा कोशिश रखा गया था। थोड़ा सा थोड़ा ट्रिकी एरिया है ये, जो करेंटली हम लोग जिस जोन में है ना, ये जोन ना प्योर मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन एरिया है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको ये सब चीज़ थोड़ा देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सीरियसली इसको हम लोग जो अभी आपके साथ में डिस्कस कर रहे हो ना, इसको क्वांट ट्रेड बोलते हैं, क्वांट समझते हैं, क्वांट का मतलब होता है क्वांटिटेटिव, और क्वांटिटेटिव वर्ड जो है, ये क्वांटिटेटिव वर्ड बेसिकली मैथ्स के साथ जुड़ा होता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि मैथमेटिकल ट्रेडिंग, अब आपके मन में चल रहा है मैथमेटिकल ट्रेडिंग मतलब क्या सबको मैथ्स सीख के आना पड़ेगा, नहीं मैथ्स सीख के आना जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट मैथ्स का एप्लीकेशन समझना जरूरी है, मैथ्स का एप्लीकेशन समझना जरूरी है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए तो सुमित जी, आप ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के बारे में बचपन में सुने थे ना, पढ़े भी होंगे, है हाँ सर, 12 में था सर, ना, 12 तो ग्रेजुएशन, डेरिवेटिव, 12 और हाँ ग्रेजुएशन 12। यस सर, ग्रेजुएशन में भी होता है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ठीक है, हम लोग यहाँ पर ना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं सीखेंगे, उसमें नहीं जाएंगे। जिसका अब कोई सोचेगा मैंने तो कभी मैथ किया ही नहीं, अगर किया भी तो बहुत साल पहले, अभी क्या याद है, ठीक है, नो इशू,
तो फिर जो मैथ्स नहीं पढ़ा क्या वो क्वांट ट्रेडिंग नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन मार्केट में क्वांट के ऊपर बेस करके कैलकुलेशंस बहुत जोर का होता है। इसीलिए तो ये ऑप्शन ग्रीक इतना पॉपुलर है। ये जो डेल्टा गामा थीटा भेगा डेका इतना पॉपुलर क्यों हो गया? बिकॉज ये क्वांट ट्रेडिंग का पार्ट है। अब आपके मन में चल रहा है तो फिर क्या हमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सिखाएंगे? नहीं, मैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं सिखाऊंगा। डीवाई डीएक्स का कॉन्सेप्ट है, प्योर मैथ्स का एरिया है। जो लोग बाद में जाके इंजीनियरिंग करता है, फिजिक्स पढ़ता है, उनको ज़्यादा डिटेल्स में जानना पड़ता है, बट हमें एप्लीकेशन जानना है। दिस इज अ एप्लीकेटिव, मतलब इसको बोलते हैं अप्लाइड मैथ्स। दिस इज कॉल्ड अप्लाइड मैथ्स। अब अप्लाइड मैथ्स में थोड़ा पेशेंस रखिए, आप देखें कि पहले गामा क्या है। जैसे मैंने आपको पहले डेल्टा समझाया, फिर मैंने डेल्टा का एप्लीकेशन समझाया, ठीक है, जिसका एप्लीकेशन मैंने सैटरडे को डिस्कस किया। उससे पहले मैंने सिर्फ डेल्टा का कॉन्सेप्ट में बात किया, कैलकुलेशंस में बात किया, मतलब ये प्योर फाइनेंस का भी एरिया है। आज मैं आपके साथ पहले गामा के बारे में बात करूंगा, गामा क्या है, फिर मैं आपको गामा का ये जो गामा का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो ग्रीक के अंदर आपको डेल्टा गामा का एरिया दिख रहा है ना, इसका एप्लीकेशन पे फिर मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको गामा क्या है ये जानना, ठीक। जैसे डेल्टा में समय दिए, उसी तरह का गामा में भी थोड़ा समय दीजिए, ठीक है, ताकि गामा भी आपको क्लैरिटी दे कि अच्छा गामा क्या बता रहे हैं। ये सब स्टार्ट मतलब सीखने में समय लगता है, बट एक बार लर्निंग पार्ट कवर हो जाए ना, फिर अप्लाई करना आसान हो जाता है। कोई भी चीज़ सीखने में थोड़ा समय देना पड़ता है, बट एक बार सीखना कंप्लीट हो जाए तो फिर हम लोग उस पर धीरे धीरे समय देके उसको बना सकते हैं। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है इसमें, मतलब सीखने के लिए पेशेंस तो चाहिए ना। अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज दैट, ये आप ऐसे बोल सकते हो कि अदर साइड ऑफ माउंटेन, ठीक है, मतलब पर्वत के उस पार क्या है, पर्वत के उस पार क्या है। तो जैसे कि मैं आपको बोला कि स्कूल लेवल में कैलकुलस, इसको कैलकुलस भी कहा जाता था। डज द वर्ड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन रिंग अ बेल? क्या आपको लग रहा है कि हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे? द वर्ड डेरिवेटिव्स मीन समथिंग एल्स टू ऑल ऑल ऑफ अस बैक देन। स्कूल लेवल में डेरिवेटिव एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ करता था, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मुझे आपको डेरिवेटिव नहीं सिखाना है, बट डेरिवेटिव का एप्लीकेशन देखना। सिंपली रेफर्ड उस टाइम पे क्या होता था, सॉल्विंग लेंथी डिफरेंशिएशन, ऐसे होता था, डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ वाई, इस तरह का सोल्यूशंस आता था, ठीक है, इसको सॉल्व करके कैलकुलेशन करना पड़ता था। अभी मुझे भी याद नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे आपको इसका समझाना पड़ेगा। ऐसे मुझे इकोनॉमिक्स में करवाना पड़ता है, जो लोग सीए का तैयारी करते हैं उनको मुझे करवाना पड़ता है, और मैम कराते हैं नॉर्मली मैथमेटिक्स के एरिया, तो मैम से डिटेल्स में सब कुछ सीखते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ना तो डिफरेंशिएशन करना है और ना ही इंटीग्रेशन करना है। तो लेट मी अटेम्प्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी। द आइडिया हियर इज टू जस्ट ड्राइव अ सर्टेन पॉइंट अक्रॉस एंड नॉट रियली गेट इन द टेक्निकलिटीज ऑफ सॉल्विंग कैलकुलस। आपको मुझे टेक्निकलिटीज पे नहीं लेके जाना, बस उसका एप्लीकेशन पे बात करना। तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। पहले थोड़ा फिजिक्स में बात करेंगे, उसके बाद स्टॉक मार्केट में आएंगे, बिकॉज डेरिवेटिव का एप्लीकेशन एरिया फिजिक्स साइड में पहले आया है, उसके बाद ये सब चीज़ स्टॉक मार्केट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फिजिक्स में ये सब चीज़ बहुत पुराना है, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। कार परचेज में भी हेल्प करता है, जब कोई और फोर व्हीलर खरीदने जाता है, ट्रक खरीदने जाता है, उस पर भी हेल्प आता है डेरिवेटिव। सर एक कार, ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल थोड़ा देखिए, एक कार इज सेट इन टू मोशन। एक कार को मोशन पे डाल दिया गया, मतलब गाड़ी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, एक कार मूव कर रहा है। इट स्टार्ट फ्रॉम 0 किलोमीटर ट्रेवल फॉर 10 मिनट्स एंड रीचेस द 3rd किलोमीटर मार्क, ठीक, जैसे स्टॉक मार्केट में भी होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा स्टॉक मार्केट में भी होता है। ये मार्केट भी तो मूव करता है, ऑप्शंस का अलग अलग स्ट्राइक पॉइंट में तो मूव करता है। तो यही पॉइंट है कि जैसे हम लोग अभी गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये गाड़ी का वेलोसिटी होता है, गाड़ी का वेलोसिटी होता है। तो गाड़ी का वेलोसिटी को अगर आप समझ जाएंगे ना, आप स्टॉक का वेलोसिटी को भी समझ जाएंगे, ऑप्शंस का वेलोसिटी को भी आप समझ जाएंगे। तो जस्ट इसको समझा, मतलब थोड़ा समझा कीजिए, ठीक है, कि अगर कोई गाड़ी 0 किलोमीटर में ट्रैवल करता है, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 0 किलोमीटर, 10 मिनट चला, 10 मिनट में गाड़ी 3rd किलोमीटर मार्क में पहुंचा। ये देखिए 0 किलोमीटर, 10 मिनट्स में 3rd किलोमीटर में पहुंचा, उसके बाद फिर 20 मिनट रन किया, 15 किलोमीटर में पहुंचा, ठीक है। फ्रॉम 3rd किलोमीटर मार्क द कार ट्रेवल्स फॉर अनदर 5 मिनट्स, ठीक है,
अच्छा और 5 मिनट चला, और 5 मिनट चलने के बाद 7 किलोमीटर में पहुंचा, 3 किलोमीटर के बाद और 5 मिनट चला, 5 मिनट में 7 किलोमीटर मार्क पे पहुंचा, ठीक है। इस तरह से 15 किलोमीटर का जर्नी तय करता है, जस्ट लाइक अ स्टॉक, ठीक। जैसे एक स्टॉक भी इसी तरह से निफ्टी, निफ्टी बैंक जो भी आप देखते हो वो भी इसी तरह का अपना जर्नी कंप्लीट करता है। लेकिन निफ्टी का जर्नी समझ जाएंगे, बैंक निफ्टी भी समझ जाएंगे, स्टॉक का भी समझ जाएंगे, कार का पहले समझ लेते हैं। अभी मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन देखिए, ह्यूज एरिया, ठीक है। लेट अस फोकस नोट व्हाट रियली हैपेंस बिटवीन 3rd and 7th kilometer। गामा समझना है ना, वही इसीलिए थोड़ा बता रहे हैं। What really happens between 3rd and 7th kilometer? ये जो 3 किलोमीटर और 7 किलोमीटर के बीच में हुआ क्या, ठीक है, यहाँ पर बीच में 7 किलोमीटर में लगा लो, 3 और 7 किलोमीटर के बीच में हुआ क्या, क्या हुआ है और क्या जानना है यहाँ पर, गामा का क्या एप्लीकेशन है। लेट एक्स इक्वल्स टू डिस्टेंस, मान के चलते हैं एक्स का मतलब है डिस्टेंस, एंड डी एक्स दी चेंज इन डिस्टेंस। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है चेंज, डी को डेल्टा भी कहा जाता है, ग्रीक में डेल्टा भी कहा जाता है, चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर डी एक्स यूज करेंगे बिकॉज डेरिवेटिव है, इसलिए डी एक्स। तो डी एक्स क्या है, एक्स का मतलब अगर डिस्टेंस है तो चेंज इन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिंपल है ना सुमित जी, बोलिए। 3 किलोमीटर से 7 किलोमीटर जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस चेंज हो गया। हाँ सर, हो रहा है 4 किलोमीटर है ना। लेकिन जो आपका डायग्राम बना हुआ सर, उसमें कुछ बहुत कंफ्यूजन लग रहा है। बोले मैं समझा नहीं, डायग्राम में बहुत पहले 0 से 3 तक गया 10 मिनट में, वो सही है, उसके बाद का डेटा सर वो मिसिंग है सर, मतलब जो लिखा हुआ है ना उसमें लिखा हुआ नहीं, मिसिंग नहीं है, वो पूरा एक जर्नी को बताया है, ठीक है। यहाँ बीच में 3 किलोमीटर के बाद 7 किलोमीटर गया है और उसमें और 5 मिनट लगा, उसमें आप पुट कर लो ना सर, उसमें क्या है, मतलब 3 किलोमीटर से 15 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लगा ही तो। हाँ, 3 से 15 किलोमीटर 20 मिनट लगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग वो पूरा जर्नी के बीच में थोड़ा बहुत और भी कुछ अंदर में ले लिए, ठीक है, कि 3rd किलोमीटर मार्क में जाने में आपको कितना लगा था, 10 मिनट लगा था, ठीक है। फिर 3rd किलोमीटर से 7th किलोमीटर में जाने में आपको और 5 मिनट लगा, ठीक है, आपको और 5 मिनट लगा, ये हम लोग मान लिए। अभी 20 मिनट का कॉन्सेप्ट में अभी नहीं जा रहे, जस्ट उसको समझ नहीं, और लंबा जर्नी है, देखिए थोड़ा। यहाँ पर आपको डेरिवेटिव समझना है, ठीक है, आपको यहाँ पर डेरिवेटिव समझना है। एक्स के मतलब क्या है, एक्स का मतलब है डिस्टेंस, एक्स का मतलब है डिस्टेंस, और चेंज इन डिस्टेंस कितना होगा, जिसको हम लोग डी एक्स से डिनोट कर रहे हैं, डी फॉर डेल्टा, डेल्टा मीन्स चेंज, ठीक है। तो 7 किलोमीटर से 3 किलोमीटर को अगर आप हटाते हो तो आप बेसिकली 4 किलोमीटर का जर्नी तय किए, 3 से 7, 3 to 7, तो कितना जर्नी आपने किया, 4 किलोमीटर के। सर यहाँ पर टाइम एक बड़ा खेल है, स्टॉक मार्केट में भी टाइम बहुत बड़ा खेल है ना। टी इक्वल्स टू टाइम, और टाइम का जो चेंजेस है उसको डी टी बोलेंगे, टी इक्वल्स टू टाइम है, और यहाँ पर डी टी का मतलब होता है चेंज इन टाइम। सर मैथमेटिकल प्रयोग है, एप्लीकेटिव मैथ्स है, थोड़ा सा समझिए, बहुत सिंपल है। तो चेंज इन टाइम कितना है, t equals to time and dt equals to change in time. So what is the change in time? मतलब ये जो 7 minus 3 करके 4 किलोमीटर का रास्ता आपने तय किया by car, इसमें dt कितना हो गया? इसमें dt कितना हो गया? कैसे पता चलेगा? First 3 किलोमीटर आपने किया 10 मिनट में, और फिर 3 से 7 में आप गए 5 मिनट में, तो ओवरऑल आपने कितना मिनट जर्नी किया, 15 मिनट जर्नी आपने किया था 7 किलोमीटर के लिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर 3 से 7 का जर्नी पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो आपने 0 से 3 में गया था 10 मिनट में, 0 to 3 का डिस्टेंस था 10 का, तो 15 से 10 हटाओ ना तो 5 मिनट जाता है, 7 किलोमीटर का जर्नी ओवरऑल आपको लगा 15 मिनट, 7 किलोमीटर का जर्नी आपको ओवरऑल लगा है 15 मिनट। बट आप देखिए सर, 0 से 15 मिनट का जो ओवरऑल डिस्टेंस है, लेकिन 3 किलोमीटर से 7 किलोमीटर का गैप को जाने में आपको कितना टाइम लगा, इसका 10 मिनट है और इसका 15 मिनट है, तो 15 माइनस 10 कर देंगे तो हमें 5 मिनट मिल जाएगा। तो दिस इज द चेंज इन टाइम, दिस इज कॉल्ड dt, ठीक है। तो 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 मिनट मिल जाएगा सर,
सेम थिंग स्टॉक मार्केट में एप्लीकेबल करेंगे। थोड़ा सा दिमाग में स्टॉक मार्केट को रखते हुए अभी नहीं चलना है, अभी गाड़ी में ही ध्यान दीजिए, कुछ ही देर में स्टॉक में पहुंच जाएंगे, निफ्टी में पहुंच जाएंगे, लेकिन सिमिलर एक्टिविटी होगा। अगर ये क्लियर होगा ना तो स्टॉक भी क्लियर हो जाएगा। सिंपल गाड़ी वाला एग्जाम्पल है, हर किसी को पता चल जाएगा। नाउ अब यहाँ से डेरिवेटिव देखिए, हमें डेरिवेटिव नहीं करना है, हमें बस इसका एप्लीकेशन देखना है। इफ यू डिवाइड डीएक्स ओवर डीटी, अब डीएक्स को डीटी से डिवाइड करना है, डीएक्स बाई डीटी करने से क्या मिलता है जानते हैं? चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम, डीएक्स बाई डीटी। मतलब क्या है कि टाइम के चेंज के ऊपर बेस करके डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, इसको कहते हैं वेलोसिटी। इसको मैथ्स वी से डिनोट करता है, वी से वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? डीएक्स बाई डीटी करके। और डीएक्स बाई डीटी कितना है? हमारा चेंज इन डिस्टेंस है 4 और हमारा चेंज इन टाइम है 5, सो डीएक्स बाई डीटी इक्वल्स टू 4/5। अब यहाँ से बहुत सिंपल मैथमेटिक्स होगा, बचपन वाला मैथमेटिक्स। दिस मीन्स द कार इज ट्रेवलिंग 4 किलोमीटर फॉर एवरी 5 मिनट्स। इसका मतलब यही है, वेलोसिटी का क्या मतलब हो गया? वेलोसिटी का मतलब ये हो गया कार 4 किलोमीटर जाता है 5 मिनट में। हियर द वेलोसिटी इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर्स ट्रेवल्ड पर मिनट। क्लियरली दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल यूज इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशंस, एज वी आर यूज टू एक्सप्रेस स्पीड और वेलोसिटी इन किलोमीटर ट्रेवल्ड पर आवर। हम लोग नॉर्मली KMPH बोलते हैं कि गाड़ी किलोमीटर पर आवर कितना भागता है, ऐसा नॉर्मली नहीं बोलते 4 किलोमीटर 5 मिनट में जाता है। हम लोग मिनट में बात नहीं करते, हम लोग घंटे में बात करते हैं, है ना? हम लोग आवरली बात करते हैं, तो कितना घंटे में हम लोग कितना जाते हैं, ये हमारा डे टू डे डिस्कशन नॉर्मली होता है। तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी को समझने के लिए वी कैन कन्वर्ट 4/5 टू किलोमीटर पर आवर। अब इस किलोमीटर पर आवर को हम लोग आवरली कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल मैथमेटिकल एडजस्टमेंट। जैसे 5 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना है, याद आ रहा है बचपन वाला, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना, तो मिनट को जब आवर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 5/60 होता है, क्योंकि 1 आवर मीन 60, तो मतलब 1 आवर मतलब कितना, 60 मिनट्स। तो 5/60 आवर्स का मतलब क्या हो गया? 5 मिनट। मतलब 5 मिनट को अगर आप आवर में कन्वर्ट करोगे तो वो 5/60 आवर होता है। अब इसी चीज को अगर हम लोग थोड़ा सा सिंपल डिस्कशंस करें कि 5/60 में कोई गाड़ी अगर 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 5/60 आवर में, 5/60 आवर मतलब 5 मिनट, ठीक है, 5/60 आवर में 4 किलोमीटर जाता है, 1 आवर में 1 मिनट में कितना जाएगा, ठीक है? और जब इसको हम लोग आवरली कन्वर्ट कर देंगे 1 आवर में कितना जाएगा, तब इसका हिसाब क्या हो जाएगा? 4 × 60/5, ये पलट जाएगा। नॉर्मल केस में 4/5/60 था, अब इसको जब चेंज कर देंगे 5/60 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। सिंपल बचपन वाला मैथमेटिक्स है, ठीक है, बचपन वाला मैथमेटिक्स है। तो ये 4 × 60/5 होके आपके सामने सिंपल एक कैलकुलेशन रख रहा है सर, 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर का हिसाब आपके सामने आ रहा है। अब इससे क्या मतलब निकलता है? देखिए हम लोग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कर रहे हैं, गामा। द कार इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो हम लोग डे टू डे यूज करते हैं ना, कि गाड़ी का वेलोसिटी कितना है, किलोमीटर्स पर आवर कितना ये भागता है। टू रिमेंबर वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। मतलब आपका गाड़ी कितना डिस्टेंस गया है और उसके लिए कितना टाइम यूज किया है, या फिर आप ऐसे बोलो कि टाइम के बेसिस में डिस्टेंस कितना कवर किया है। इन कैलकुलस वर्ल्ड, मैथमेटिकल वर्ल्ड में, फिजिक्स वर्ल्ड में, दिस इज कॉल्ड स्पीड और वेलोसिटी। इन कैलकुलस वर्ल्ड मतलब मैथमेटिकल कैलकुलस में, फिजिक्स के वर्ल्ड में, इसको क्या कहा जाता है? स्पीड या फिर वेलोसिटी कहा जाता है। स्पीड और वेलोसिटी इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और डिस्टेंस ट्रेवल। कितना समय में कितना दूर जाते हैं, इससे आपका स्पीड या वेलोसिटी का पता चलता है, और इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है। पॉइंट टू बी रिमेंबर सर, यही बात मैं अभी 2 मिनट बाद आपको स्टॉक मार्केट में यूज करूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि गामा का यूज सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, स्टॉक मार्केट में भी है, जो आप देख पा रहे हो ऑप्शन ग्रीक में, लेकिन अभी भी एप्लीकेशन समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पहले आप कार को समझे तो ऑटोमेटिकली स्टॉक भी समझ में आ जाएगा। सिंपल अप्लाइड एरिया है, थोड़ा ध्यान दीजिए।
अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को थोड़ा ध्यान में रखिए। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? स्पीड और वेलोसिटी। कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो इसका पहला डेरिवेटिव क्या है? स्पीड और वेलोसिटी। इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं कि आप कितना समय में कितना टाइम लेते हो कितना डिस्टेंस कवर करने में, टाइम के बेसिस में डिस्टेंस कितना कवर करते हो। जहां पर हमारा एक्स क्या है? एक्स इज द डिस्टेंस एंड टी इक्वल्स टू टाइम एंड डी फॉर चेंज, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम, मतलब टाइम के अनुसार चेंज डिस्टेंस चेंज कितना हुआ। अब यहां पर बात को फिर से समझिए। वी नो द वेलोसिटी ऑफ द कार इन द फर्स्ट लेग वाज 48 किलोमीटर पर आवर। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि पहला 7 किलोमीटर जाने में गाड़ी का जो स्पीड था वो 48 किलोमीटर का था। पहला 7 किलोमीटर, 0 से 7 किलोमीटर का जो जर्नी है इसको पहुंचने में 15 मिनट लगा है। इसका मतलब यह है 15 मिनट में गाड़ी मेरा 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चला है तो जाके पहुंचा है। नाउ क्वेश्चन इज दैट एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फॉर द सेकेंड लेग। तो फिर सेकेंड लेग का वेलोसिटी भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा ना सर। फर्स्ट लेग में अगर 48 किलोमीटर रहा है तो सेकेंड लेग क्या हो जाएगा? सिमिलर टाइप में हो जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि 7 किलोमीटर से 15 किलोमीटर का जर्नी, 7 से 15 किलोमीटर जा रहे हैं 5 मिनट में, तो अनदर 8 किलोमीटर का जर्नी। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 8। चेंज इन डिस्टेंस इज 8 एंड चेंज इन टाइम इक्वल्स टू 5। आप सिमिलरली इसको कैलकुलेट करो आपको 96 मिल जाएगा। सिमिलरली आप कैलकुलेट करो आपको 96 मिल जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन इज दैट 96 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अगर 5 मिनट में 7 से 15 किलोमीटर जा रहा है। तो अब यहाँ से कुछ पॉइंट में हम लोग चेंज होते जाएंगे। देखिए इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट द कार ट्रेवल ट्वाइस एज फर्स्ट इन द सेकेंड लेग। कार स्पीड बढ़ा दिया अपना सेकेंड लेग में क्योंकि इस बार 8 किलोमीटर जा रहे हैं उसके लिए टाइम लग रहा है 5 मिनट का। सो लेट अस कॉल द चेंज इन वेलोसिटी एज डी बी। अब वेलोसिटी चेंज को डी बी से डिनोट करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी एज वी नो इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनिए, मतलब गाड़ी का स्पीड जो बढ़ा है ना, गाड़ी का स्पीड जिस तरह से इंक्रीज किया है, देखिए 0 से 7 किलोमीटर गया था 15 मिनट में, 7 से 15 किलोमीटर जा रहा है 5 मिनट में, इसका मतलब एक्सेलरेशन पे जोर आया है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटर दबाओ ना भाई, गाड़ी को तेज भगाओ। अब एक्सेलरेशन आ गया है लेकिन दिस एक्सेलरेशन इज एक्चुअली कॉल्ड वेलोसिटी। अब जब हम लोग कार खरीदने जाते हैं ना तो इंजन का कैपेसिटी, गाड़ी में सिलेंडर कितना है ना। जैसे गाड़ी में एक जमाना था जब दो 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 सिलेंडर होता था। आई डोंट नो आप लोग कार के बारे में जरूर जानते हो, ठीक है, सिलेंडर होता है गाड़ी के अंदर जो इंजन को बेसिकली कंट्रोल करता है, इंजन का फास्ट डिपेंड करता है गाड़ी के सिलेंडर पे। और भी चीजें हैं, मुझे इतना ऑटोमोबाइल का नॉलेज नहीं है बट तो जितना मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत सुनता हूँ भाई, सब स्टूडेंट से ही जानने का मौका मिलता है मुझे। मेरा ऑटोमोबाइल का सेंस नहीं है बट कभी कभी पूछ लेता हूँ किसी किसी से। तो तीन, अगर गाड़ी में 3 4 सिलेंडर है ना तो उसका स्पीड मतलब वो ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है, वो ज्यादा फास्ट टाइम मतलब ज्यादा जल्दी वो स्पीड ले सकता है, मतलब अपना वेलोसिटी और फास्ट कर सकता है, एक्सेलरेशन ज्यादा हो सकता है। सो वी नो द चेंज इन वेलोसिटी। जैसे हमारे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 96 किलोमीटर पर आवर -48 किलोमीटर पर आवर, तो जिसका डिफरेंस हो जाता है 48 किलोमीटर पर आवर। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द अबव आंसर सजेस्ट दैट द चेंज इन वेलोसिटी इज 48 किलोमीटर पर आवर बट ओवर व्हाट। ये एक क्वेश्चन है सर, ये जो 48 किलोमीटर पर आवर का चेंज हुआ है बट किसके ऊपर, किसके बेसिस में हुआ है, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। ठीक, स्पीड तो चेंज हो गया बट उसका बेस क्या है? द चेंज इन वेलोसिटी इज 48 बट ओवर व्हाट, बेस क्या है? जैसे स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन मार्केट में जो ऑप्शन ऑप्शन में जो स्ट्राइक चेंज होता है उसका बेस क्या रहता है? स्पॉट। इसी तरह यहां पर कुछ बेस क्या है वो थोड़ा चिंता में पड़ गया। द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन में सेम लाइक अ डिग्रेशन फ्रॉम द मेन टॉपिक अबाउट गामा बट इट इज नॉट सो, प्लीज रीड ऑन, इफ नॉट फॉर एनीथिंग इट विल रिफ्रेश योर हाई स्कूल फिजिक्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यस, हम लोग गामा को समझने के लिए थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, अभी 2 मिनट में स्टॉक मार्केट में भी गामा समझ में आ जाएगा कि गामा का एक्चुअल एप्लीकेशन आपको क्या करना है। तो ये जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया वेलोसिटी का, व्हेन यू वांट टू बाय अ न्यू कार, जब आप कोई नया गाड़ी खरीदने जाओगे ना
जो गाड़ी का सेल्समैन है ना कंपनी का, सेल्स गाई टेल्स यू समथिंग लाइक दिस, सर कार इज रियली फास्ट एज इट कैन एक्सेलरेट 0 to 60 इन 5 सेकेंड्स. 0 to 60 में 5 सेकेंड में जा सकता है, मतलब कितना फास्ट गाड़ी मूव कर सकता है. जैसे हम लोग अगर अगर आप लोग लोकल ट्रेन में चढ़े हो कभी, लोकल ट्रेन मतलब हावड़ा से जो चलता है. हाँ सुमित जी, चढ़े हैं कि नहीं लोकल ट्रेन में? बहुत जरूर चढ़े हैं, मैं भी चढ़ा हूँ. आप मुझे एक चीज बताए, लोकल ट्रेन, लोकल ट्रेन और मेल ट्रेन जो होता है, मतलब जो लॉन्ग रूट का ट्रेन होता है, गाड़ी का स्पीड कौन जल्दी पकड़ता है, लोकल ट्रेन की मेल ट्रेन? हाँ मेल. सर आप देखिएगा, जो लोकल ट्रेन है जिसको हम लोग, हाँ स्पीड जल्दी पकड़ता है लोकल ट्रेन, मतलब बहुत ही कम समय में एक्सेलेट कर सकता है, जिसको हम लोग EMU या मेमू लोकल बोलते हैं. बहुत फास्ट मूव करता है, स्टार्टिंग में ही स्पीड बढ़ा सकता है. मतलब वही जो बात कर रहे हैं ना, 0 से 60 सेकंड के अंदर अंदर वो 60 में, 0 to 60 स्पीड में 5 सेकंड में जा सकता है, जो मैं गाड़ी में बता रहा हूँ. वैसे ट्रेन में भी चेंजेस है. मेल ट्रेन स्टार्टिंग में स्पीड नहीं ले सकता, बट लॉन्ग रन में स्पीड बढ़ा देता है. आजकल कुछ न्यू कोच आया है मेल ट्रेन में भी, वो बहुत जल्दी मूव कर रहा है, मैं देख रहा हूँ. और लोकल में भी काफी इंप्रूवमेंट आ गया है. मैं कुछ दिन पहले लोकल में चढ़ा था, तो वही मैं देख रहा था. जब मैं, हम लोग कार खरीदने जाते हैं ना, तो सेल्समैन भी ना हमें यही सब समझाते हैं कि ये गाड़ी इतना स्पीड ले सकता है, इतना फास्ट जा सकता है. तो ये जो भी वो बताने का कोशिश करता है ना हमें, बेसिकली वो गाड़ी का वेलोसिटी बताना चाहता है. ठीक है, द कार इज रियली फास्ट, इट कैन एक्सेलरेट 0 to 60 इन 5 सेकेंड्स. तो एसेंशियली ही इज टेलिंग यू दैट द कार कैन चेंज वेलोसिटी फ्रॉम 0 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स. ये बेसिकली वो वेलोसिटी को बताते हैं. तो चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? 60 किलोमीटर पर आवर -0, और वो कितने समय में हुआ? 5 सेकेंड में हुआ. मतलब स्टॉक मार्केट में भी ऐसा होता है ना, निफ्टी चेंज होता है, बैंक निफ्टी चेंज होता है, कितने समय में चेंज होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेट कीजिए थोड़ा. तो लाइकवाइज इन द अबव एग्जांपल वी नो द चेंज इन वेलोसिटी इज 48 किलोमीटर पर आवर, बट ओवर व्हाट, अनलेस वी आंसर ओवर व्हाट पार्ट, वी वुड नॉट नो व्हाट एक्सेलरेशन रियल इज. अब इस पे एक्सेलरेशन क्या है? टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन इन दिस पर्टिकुलर केस वी मेक सम एजम्पशंस. ये जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दीज आर एक्चुअली पार्ट ऑफ गामा. ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, पॉइंट टू बी नोटेड सर. एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, ये अजम्पशंस है कि एक्सेलरेशन को कॉन्स्टेंट मान के चल रहा है. वेरिएबल भी हो सकता है, बट पहले हम लोग इसको कॉन्स्टेंट मान के चल रहा है. कॉन्स्टेंट मतलब जो स्थिर है, ठीक है, जिसको फिक्स कर दिया गया. वी कैन इग्नोर द 7 किलोमीटर मार्क फॉर द टाइमिंग. कुछ देर के लिए 7 किलोमीटर मार्क को इग्नोर करते हैं जो बीच में था. हेंस वी कैन कंसिडर द फैक्ट दैट द कार वॉज 3rd किलोमीटर मार्क एट 10th मिनट. गाड़ी 3 किलोमीटर में पहुंच रहे 10 मिनट में, एंड इट रीच द 15 किलोमीटर मार्क एट द 20th मिनट. 20 मिनट में 15 किलोमीटर में पहुंचते हैं, और 3 किलोमीटर पहुंचने में 10 मिनट समय लगता है. ठीक है, और 3 से 15 के बीच में 20 मिनट का समय लगता है. सो पॉइंट टू बी नोटेड हियर. ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ये जो मैप है, इस मैप से कुछ समझना है. यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन वी कैन फर्दर डिड्यूस मोर इंफॉर्मेशन इन द कैलकुलस वर्ल्ड. दीज आर कॉल्ड इनिशियल कंडीशन. वेलोसिटी एट द रेट 10 मिनट, वेलोसिटी एट द रेट 10 मिनट और 3rd किलोमीटर मार्क इक्वल्स टू 0 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी. स्टार्टिंग में ये जीरो लेवल में था. ठीक है, 3rd किलोमीटर मार्क में जाने में इसका 10 मिनट का टाइम लग रहा है. तो इसमें मेरा कहने का मतलब है दैट टाइम लैप्स एट द रेट 3rd किलोमीटर मार्क इक्वल्स टू 10 मिनट. कितना टाइम लैप्स हो रहा है आपका? 10 मिनट का टाइम लैप्स हो. एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट बिटवीन 3rd एंड 15th. हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन को कॉन्स्टेंट कर दिए हैं 3rd और 15th के बीच में. टाइम एट 15 किलोमीटर मार्क है 20 मिनट का. वेलोसिटी एट 20th मिनट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी. ये जो है ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, जो बेसिकली 15 किलोमीटर मार्क में हमें मिल रहा है. अब इससे हमें क्या समझ में आता है? ये एक अजम्पशन है. बात को थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिए, फिर कंक्लूजन में पहुंचेंगे. ठीक है, ये लर्निंग पार्ट है, थोड़ा देखिए. वेल वी नो द इनिशियल वेलोसिटी वाज 0 किलोमीटर पर आवर. स्टार्टिंग में गाड़ी का वेलोसिटी कितना था? जब एक गाड़ी स्टार्टिंग पोजिशन पे रहता है, या जब कोई स्टॉक
जब कोई निफ्टी स्टार्टिंग में होता है वो 0 किलोमीटर में होता है, सिंपल। मतलब गाड़ी में 0 किलोमीटर, स्टॉक में तो कोई किलोमीटर कॉन्सेप्ट नहीं चलता, टाइम का मैटर होता है। सो यहाँ पर हम लोग गाड़ी के केस में क्या देख रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी है 0 किलोमीटर पर आवर, वी डू नॉट नो दी फाइनल वेलोसिटी, हमें ये नहीं पता कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। अगर मैं 3 किलोमीटर से बात करूँ तो 15 से 3 किलोमीटर 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। टोटल ड्राइविंग टाइम कितना है, 20 मिनट्स, और पहले 10 मिनट लग गया था, तो 20 - 10 = 10 मिनट्स। एवरेज स्पीड कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज स्पीड का मतलब ही है वेलोसिटी, 12/10 करके 12 किलोमीटर 10 मिनट में जा रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी 1.2 किलोमीटर्स, KMPS मीन्स किलोमीटर्स, ठीक है, 1.2 किलोमीटर्स पर मिनट, और इन टर्म्स ऑफ आवर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अगर इसको आप आवरली कन्वर्ट करेंगे तो 72 किलोमीटर पर आवर। अगर 1.2 किलोमीटर पर मिनट को आप कन्वर्ट कर दें तो ये 72 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, ठीक है, 16 × 0.21 कीजिए। सो व्हाट इज द पॉइंट नाउ, इनिशियल वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर, एवरेज वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, एंड व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। तो फिर गाड़ी का फाइनल वेलोसिटी कितना है, देखिए गाड़ी का फाइनल वेलोसिटी कितना है। अब इसमें इंजीनियरिंग क्या करता है, बाय रिवर्स इंजीनियरिंग वी नो द फाइनल वेलोसिटी शुड बी 144 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज 0 से लेके 0 एंड 72, ठीक है, ये एवरेज है। सो ये बेसिकली ये जो 72 है ये अगर एवरेज है तो टोटल फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ये एवरेज वेलोसिटी आया है, ये एवरेज आया है, तो फिर 0 से लेके 144 का जो टोटल रेंज है इसी का एवरेज होता है 72। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका फाइनल वेलोसिटी है 144, ठीक है। सो फार्दर वी नो एक्सेलरेशन इज कैलकुलेटेड फाइनल, 144 कैसा सर एवरेज अगर 72 है तो टोटल कितना होगा, है मतलब वो डिवाइड बाय 2 करके 72 था तो इनटू 2 हाँ कर मतलब देंगे। हाँ हम लोग हाँ इन टू टू कर दीजिए, मतलब कहने का मतलब है 72 जो आया ये एवरेज में आया, ठीक है, तो अगर 72 एवरेज में है तो टोटल कितना होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर थोड़ा ये एजम्पशन चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन एजम्पशन बस मैथमेटिकली देख रहे हैं कि अगर ओवरऑल एरिया 144 का है, मतलब ये 144 तो हम लोग बाद में निकाले, हम लोग को पहले एवरेज मिला है, एवरेज से हम लोग 144 को निकाले, तो 144 किलोमीटर पर आवर एज द एवरेज ऑफ 0 से 144 का 72 का एवरेज हो गया। तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन को निकाल रहे सर, नो एक्सेलरेशन इज कैलकुलेटेड क्या है, फाइनल वेलोसिटी बाई टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 144 किलोमीटर पर आवर माइनस डिवाइडेड बाई 10 मिनट्स, प्रोवाइडेड एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, हम लोग ये भी मान के चले हैं कि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है 10 मिनट। तो 10 मिनट्स वेन कन्वर्टेड टू आवर्स, 10 मिनट को आवरली कन्वर्ट कीजिए, 10/60 हो जाता है ना, सो 144 को भी आप सिमिलरली आवर में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, तो 144 किलोमीटर को पर आवर में कन्वर्ट कीजिए तो आपका क्या आ जाता है, जैसे कि आपको पहले समझा 10.60 आप जाते हो, 10/60 आप मतलब मिनट आप जाते हो, 10 मिनट को अगर आप आवर में कन्वर्ट करते हो, 10/60 आवर आप जाते हो 144 किलोमीटर, ठीक है, तो एक आवर में कितना जाओगे, ठीक है, एक घंटा में कितना जाओगे, 144 / 60/10, इस तरह का करने से आपको 864 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आता है, ठीक है, सिंपल मैथ है जो मैंने आपको इससे पहले भी एक कैलकुलेशन में सिखाया, 864 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से क्या निकल के आता है, थोड़ा सा और मूव करना है, दिस मीन्स द कार इज गेनिंग ए स्पीड ऑफ 864 किलोमीटर एवरी आवर। ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी हर आवर में 864 किलोमीटर का स्पीड ला रहा है एज पर आवर एग्जाम्पल, एंड इफ अ सेल्समैन इज सेलिंग यू दिस कार, ही वुड से द कार कैन एक्सेलरेट 0 to 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। जो सेल्समैन हमें बता रहा था ना कि 5 सेकंड में 0 से 72 किलोमीटर पर आवर ये गाड़ी जा सकता है, 5 सेकंड में 72 किलोमीटर का स्पीड उठा सकता है, इसका मतलब यह है कि एक घंटा में 864 किलोमीटर जाने का ताकत रखता है गाड़ी, समझ में आया बात। सेल्समैन हमें बता रहा था ना कि 0 से 60 में जाता है 5 सेकंड में, या फिर 0 से 72 किलोमीटर में चला जाएगा 5 सेकंड में। अगर कोई सेल्समैन ऐसा बात कर रहा है, इसका सिंपल मैथ ये होता है कि 864 किलोमीटर डेरिवेशन आता है सर, डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 860 किलोमीटर जाएगा एक घंटे, मतलब रियली हाई स्पीड कार रही है, ठीक है, रियली हाई स्पीड कार रही है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
इसको सिंप्लीफाई करते हैं और धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में पहुंचते हैं. तो वी सिंप्लीफाइड दिस प्रॉब्लम अ ग्रेट डील बाय मेकिंग वन अजम्पशन, एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट. बट हाउएवर इन रियलिटी एक्सेलरेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट. हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन को कॉन्स्टेंट कर दिए थे, बट रियलिटी में एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं होता है. यू एक्सेलरेट एट डिफरेंट स्पीड्स. हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तब भी हम लोग डिफरेंट स्पीड में एक्सेलरेट करते हैं. फॉर ऑब्वियस रीजन, जनरली स्पीकिंग, टू कैलकुलेट सच प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर. एक के चेंज के कारण दूसरे का चेंज, अगर एक्सेलरेशन में चेंजेस है तो फिर टाइम पे चेंजेस हो जाएगा, है ना, वेलोसिटी में चेंजेस हो जाएगा. वन वुड हैव टू डिग इनटू डेरिवेटिव कैलकुलस मोर प्रिसाइसली. वन नीड्स टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशंस के बारे में हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, उसका एक्चुअल यूज फिजिक्स में ऐसा होता है. जो गाड़ी बनाते हैं वो भी ऐसा ही यूज करता है. अब इसी को हम लोग स्टॉक मार्केट में अप्लाई करेंगे. नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस फॉर ए मोमेंट. वी नो चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब पोजिशंस क्या है, हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या था. हम लोगों के लिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था वेलोसिटी, गाड़ी का स्पीड. ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस ऑप्शंस. डिस्टेंस पोजिशंस का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, मतलब हमें पहला ये डिराइव करना पड़ रहा था कि मेरा स्पीड कितना रहेगा या मेरा वेलोसिटी कितना रहेगा. चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी का जो चेंज है दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. मतलब आपका स्पीड कितना बदलेगा ये डिपेंड करता है आपके एक्सेलेटर पे. आपका स्पीड कितना बदलेगा ये डिपेंड करता है आपके एक्सेलेटर पे. तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम. एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, विच इन टर्न चेंज इन पोजिशन ओवर टाइम. मतलब आपका पोजिशन चेंज कितना होगा समय के साथ साथ, या फिर आप कितना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे समय के साथ साथ, जो एक्सेलरेशन है. जैसे गाड़ी में एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे. Hence it is apt to call acceleration as the second order derivative of the position of the first derivative velocity. तो अगर वेलोसिटी पहला डेरिवेटिव है, वेलोसिटी क्या हो गया आपका स्पीड. आपके स्पीड पे डिपेंड करता है आपका एक्सेलरेशन कहाँ जाएगा, मतलब आपके वेलोसिटी पे डिपेंड करता है आपका एक्सेलरेशन, या फिर आपके एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है आपका वेलोसिटी. हम लोग यहाँ पर ये बोलेंगे सर कि आपने पहले वेलोसिटी स्टार्ट किया, आपने पोजीशन चेंज किया, बट पोजीशन कितना चेंज होगा ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे. तो व्हाट डू यू वांट टू से कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, समय के साथ साथ आपका वेलोसिटी में जो चेंज आएगा जिसको हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन कह रहे हैं. तो यहाँ पर हम लोग ये कहना चाहते हैं सर, डेरिवेटिव क्या हुआ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वेलोसिटी. वेलोसिटी अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था तो एक्सेलरेशन है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. कीप दिस पॉइंट अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन पर्सपेक्टिव एज वी नाउ प्रोसीड टू अंडरस्टैंड द गामा. यहाँ पर हम लोगों ने जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर में इतना डिटेल्स डिस्कशन किए ना, कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये दो इंपॉर्टेंट मुद्दा था ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, मतलब गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग में, गाड़ी के स्पीड में सेल्समैन क्या कहता है, अब गामा क्या कहता है. देखिए अब इसी चीज को गामा के कन्वर्ट करना, और गामा स्टॉक मार्केट में कैसे काम करेगा उसको भी थोड़ा देखना. लेकिन एक बात बार बार बोलूंगा, ये जो पूरा इक्विटी डेरिवेटिव चल रहा है ना, प्रीवियस चैप्टर अगर आप भूलते रहोगे तो दिक्कत बढ़ेगा. आपको रिवाइज करते रहना है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करने में दिक्कत में पड़ जाओगे. ये ना एक प्रैक्टिस का मैटर है, और एक के साथ एक तो हर एक चीज़ कनेक्टेड है, कनेक्शन मत तोड़िएगा. ठीक है, इसीलिए बार बार बोलूँगा ऑप्शंस बेसिक्स पूरा क्लियर होना चाहिए. अब यहाँ पर हम लोग पैरेलल ड्राइंग करते हैं. ओवर द लास्ट फ्यू चैप्टर वी अंडरस्टैंड हाउ डेल्टा ऑफ एन ऑप्शंस वर्क्स, है ना. लास्ट तीन चैप्टर में हमने आपको डेल्टा के बारे में बताया, डेल्टा का मार्केट में एप्लीकेशंस भी आपको दिखाया. ठीक है, और अगर आप सेंसिबल जैसे सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो वहाँ पर आपको डेल्टा भी नजर आएगा, और कौन से डेल्टा में कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए इसके बारे में मैंने आपको बताया, और क्या चूज करने से क्या होता है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया. नाउ क्वेश्चन इज दैट डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन वर्क्स, डेल्टा एज वी नो रिप्रेजेंट चेंज इन प्रीमियम. डेल्टा हमें क्या सिखाता है, प्रीमियम का चेंज सिखाता है. डेल्टा हमें प्रीमियम का चेंज के बारे में बताता है, डेल्टा के ऊपर बेस करके ही प्रीमियम चेंज होता है. इसके लिए अगर किसी का क्लास मिस है या रिवाइज करना चाहते हो, प्लीज विजिट डेल्टा पार्ट वन, डेल्टा पार्ट टू एंड डेल्टा पार्ट थ्री. मेरा भी तीन ही लेक्चर्स है, प्लीज एक बार वापस रिवाइज कर दीजिए, आपको फिर से वापस याद आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन इज दैट, ये जो डेल्टा का प्रीमियम चेंज होता है ये किसके बेसिस में होता है,
गिवन चेंज इन अंडरलाइन प्राइस, स्पॉट मार्केट में चेंज के कारण होता है। बैंक निफ्टी का स्पॉट मार्केट क्या काम कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके ऑप्शन मार्केट काम करता है। निफ्टी स्पॉट मार्केट में क्या कर रहा है उसके बेसिस में निफ्टी का अलग अलग ऑप्शन स्ट्राइक काम करता है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि डेल्टा हमें ये सिखाता है अंडरलाइन प्राइस चेंज के ऊपर बेस करके प्रीमियम में क्या चेंजेस आता है। नाउ फॉर एग्जांपल इफ निफ्टी स्पॉट वैल्यू 8000, ध्यान से सुनिए, मान के चलते हैं यहाँ पर ये पुराना डेटा है, आप आज के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर निफ्टी का स्पॉट वैल्यू 8000 है, देन वी नो, जब 8000 था देन वी नो कि 8200 CE ऑप्शन इज OTN, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। निफ्टी का स्पॉट अगर 8000 है मतलब स्पॉट मार्केट 8000 में चल रहा है, ठीक, जैसे अभी 17400 में चल रहा है, ठीक है, ये स्पॉट है, और हम लोग जो स्ट्राइक देख रहे हैं वो 8200 है, मतलब स्पॉट नीचे है स्ट्राइक ऊपर है, तो आप बेसिकली OTM जोन में, आउट ऑफ द मनी। अगर आपका स्पॉट मार्केट स्ट्राइक प्राइस से नीचे है, ठीक है, तो आप OTM जोन में होते हैं। इसमें OTM में भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है, स्लाइटली OTM है कि डीप OTM है, इसके बारे में मैंने डेल्टा में डिस्कस करके रखा, ठीक है, प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिएगा। तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन इज है इसके लिए, और OTM, ITM, OTM, ITM और ATM, इसमें से कौन सा क्या होता है और कब किसके ट्रेडिंग में क्या बेनिफिट या क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, इसके बारे में आपको मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में बात किया गया है। तो अगर किसी का मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट गड़बड़ हो गया है तो उनको OTM, ITM, ATM में दिक्कत हो जाएगा, इसको थोड़ा सा देखिएगा। तो अगर निफ्टी स्पॉट वैल्यू 8000 है और मार्केट स्ट्राइक प्राइस आप चूज कर रहे हैं 8200, इसका मतलब ये OTM है, आउट ऑफ द मनी है। Hence, its delta could be, जब OTM का डेल्टा क्या होता है, यही बात मैंने लास्ट दिन बताया था, OTM का डेल्टा क्या होना चाहिए, OTM का डेल्टा 0 से 0.5 के बीच में होना चाहिए। सर ये कहां पर बोला गया है, सर यही तो मैं लास्ट दिन समझाया, पूरा डिस्कशन मैंने लास्ट दिन इसी पॉइंट पे किया, लास्ट दो क्लास मॉडल थिंकिंग में। मॉडल थिंकिंग ये देखिए, डेल्टा वर्सेस स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक कॉल ऑप्शंस बायर और एक पुट ऑप्शंस, जो भी आप करते हो कॉल के केस में, पुट के केस में क्या होता है, मैंने लास्ट दिन, लास्ट दो क्लास को मैं इसी पे दिया था, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे। आप जस्ट देखिए कि जब जब आपका डेल्टा, ये देखिए डेल्टा का वैल्यू है, डेल्टा 0 से 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.1, और डेल्टा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहता है, पुट के केस में अलग, 0 से -1 के बीच में रहता है, पुट के केस में अलग, कॉल के केस में अलग। अब सिंपल सा समझते हैं सर कि जब जब डेल्टा, जब जब मार्केट स्पॉट प्राइस बढ़ता है, ठीक है, जब जब स्पॉट प्राइस में मूवमेंट आता है, या फिर आप ऐसे बोलो कि ये देखिए आपका डेल्टा अगर 0.5 के बीच में है ना, कॉल ऑप्शन के केस में देखिए या पुट के केस में भी देखिए, 0 से 0.5 के बीच में ना, आप बेसिकली OTM जोन में होते हो। ये देखिए ये OTM जोन है, ये OTM जोन है। तो डेल्टा 0 से 0.5 हमेशा आपको OTM जोन में रखेगा। डेल्टा अगर 0.5 से 1 के तरफ जाता है, या फिर जो करेंट मार्केट प्राइस है, स्पॉट प्राइस जो करेंटली मार्केट में चल रहा है निफ्टी का वैल्यू, अगर आप आसपास में रहते हो ना, मतलब आप ATM के आसपास रहते हो, और जब आपका स्पॉट प्राइस हाई रहता है, ठीक है, तो आप ITM जोन में चले जाते हो, इन दी मनी जोन में चले जाते। ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट दिन क्लास में समझाया, प्लीज एक बार वापस कर सकते हैं रिवाइज, ठीक है। नाउ मी क्वेश्चन इज दैट, अभी मैं आपको फिर से ITM OTM में तो बात नहीं करूंगा क्योंकि हमें मूव करना है आप लोगों के साथ। अब आप गामा, गामा को समझिए, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा, गामा, थीटा, डेका सब कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अब इसी कनेक्शन को समझना है। मैं आपको इतना देर से गामा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस दे रहा था, अभी भी गामा के एप्लीकेशंस में नहीं समझाया, मैं बस आपको इतना समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जब मार्केट में डेल्टा 0 से 0.5 के बीच में होता है, इसका मतलब आप जो ऑप्शन चूज कर रहे हैं, यहाँ पर स्पॉट है 8000, कॉल ऑप्शन है OTM, मतलब स्ट्राइक है 8200, डेल्टा कुड बी 0 से 0.5,
हम लोग थोड़ा एजम्पशन ले लेते हैं, लेट अस फिक्स दिस टू 0.2 जो 0 से 0.5 के बीच में है। फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशंस, इसको समझने के लिए हम लोग इसको 0.2 मान, 0 से 0.5 मतलब 0.2 मान दिया। जैसे अभी आपको मैं ग्राफ दिखा रहा था, एज्यूम निफ्टी स्पॉट जंप्स 300 पॉइंट। ध्यान से बात को समझिए, निफ्टी स्पॉट मार्केट में 300 पॉइंट में जाम कर रहा है सिंगल डे पे, ऐसा करता है ना, ऐसा करता है, मैं पॉजिटिवली सोच रहा हूँ। तो अगर 8200 कॉल ऑप्शन चल रहा है आपका, 8200 कॉल ऑप्शन इज नो लॉन्गर एन ओटीएम ऑप्शन, क्योंकि स्पॉट तो 8000 चल रहा है, अगर 300 पॉइंट में जंप करेगा तो 8300 चला जाएगा। तो 8300 अगर आपका स्पॉट है और आपका स्ट्राइक है 8200, तो ये ओटीएम में तो और नहीं रहेगा, स्लाइटली आईटीएम जोन में चला जाएगा। ये सर नो सुमित जी, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं बताइए। ज्योति देवोजीत बाबू, जिन लोगों का प्रीवियस लेक्चर सुना हुआ है वो कनेक्ट कर लेगा। थैंक यू सर। फिर देखिए, अगर मार्केट 300 पॉइंट में जंप करता है 8000 से 8300 की तरफ, तो 8200 आपका स्ट्राइक था, लेकिन अभी आप और ओटीएम ऑप्शंस में नहीं हो, अभी आप आईटीएम के स्लाइटली आईटीएम पे चले गए। एंड देयरफॉर बाय वर्चू ऑफ दिस जंप इन स्पॉट वैल्यू, द डेल्टा ऑफ 8200 कॉल ऑप्शंस विल नो लॉन्गर बी 0.2। मतलब इतना देर से आपका डेल्टा 0.2 था क्योंकि आप ओटीएम में थे, बट इट वुड बी समवेयर बिटवीन 0.5 से 1। अब आपका डेल्टा बढ़ जाएगा क्योंकि मार्केट बढ़ा, मार्केट पॉजिटिव होता है ना कॉल ऑप्शंस के केस में, तो डेल्टा भी पॉजिटिव हो जाता है, 0.5 से 1 के बीच में आ जाएगा। हम लोग मान के चलते हैं 0.8, हम लोग मान के चलते हैं 0.8। बात को ध्यान से सुनिए, और ये बात भी मैंने आपको कहा था कि जैसे 0.8 का मतलब है अगर आप 0 से 100 स्केल यूज करोगे तो ये 80 हो जाएगा, 0.5 मतलब ये 50 हो जाएगा, जो 0 से 100 का स्केल यूज करेगा उसके लिए 0.8 हो जाएगा, 80, 0.5 हो जाएगा, 50, 0.2 हो जाएगा, 20, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको कहीं कभी डेल्टा, जैसे यहाँ 9 दिखा रहा है, ठीक है, डेल्टा जैसे यहाँ पर 9 दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा देखिए 36 दिखा रहा है, ठीक है। तो जो 100 स्केल यूज करता है वो इस तरह से देखेगा, अगर आप उसको पॉइंट स्केल में देखोगे तो वो पॉइंट में आ जाएगा, जैसे ये 0.36, ठीक है, 0.36 इस तरह का। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कशंस करके रखा, सर गामा समझाने वाले हैं, डेल्टा में बात कर रहे हूँ, सर डेल्टा गामा कनेक्टेड है ना, इसीलिए तो मैं आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी समझाने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कनेक्टेड है, सिमिलरली डेल्टा और गामा भी कनेक्टेड है, उस कनेक्शन के लिए इतना सारा बात कहना पड़ा मुझे। देखिए, और थोड़ा डेरिवेटिव भी याद दिलाया आपको बचपन वाला, तो 8200 से 8200 चल रहा था, 8000 से 8200 आपका कॉल ऑप्शंस था, ठीक है, आप ओटीएम में थे, लेकिन मार्केट 8000 से 8300 में जंप किया, लेकिन आप पहले ओटीएम में थे, अभी आप स्लाइटली आईटीएम में हो गए, ओटीएम में आपका डेल्टा का वैल्यू 0.2 से 0.5 के बीच में था, अभी आपका डेल्टा का वैल्यू 0.5 से 0.1 के, सॉरी 1 के बीच में आ गया, मतलब मैंने यहाँ पर एजम्पशन दिया 0.8। तो विद दिस चेंज इन अंडरलाइन, ये जो अंडरलाइन में बदलाव आ गया, 8000 का स्पॉट 8300 में बदलाव आ गया, वन थिंग इज वेरी क्लियर, द डेल्टा इटसेल्फ चेंज, मीनिंग डेल्टा इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू चेंजेस बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द अंडरलाइन एंड द प्रीमियम। डेल्टा का वैल्यू चेंज होता है, डेल्टा का वैल्यू चेंज होता है बिकॉज अंडरलाइन चेंज होता है, बिकॉज निफ्टी 8000 से 8200 में गया, 8300 में गया, तो डेल्टा चेंज होगा, और डेल्टा चेंज होगा तो प्रीमियम भी चेंज होगा, और ये प्रीमियम का कहानी भी मैंने लास्ट दिन समझाया। इफ यू नोटिस डेल्टा इज अ वेरी सिमिलर टू वेलोसिटी, सो डेल्टा क्या है, डेल्टा वेलोसिटी है, गाड़ी का डीएक्स बाई डी टी, कितना समय में कितना दूर जाते हो, निफ्टी चेंज, डेल्टा का चेंज इज लाइक अ वेलोसिटी, निफ्टी 8000 से 8200 में जाता है तो आपका डेल्टा भी चेंज हो जाता है, पहले 0.2 का डेल्टा था, अब 0.8 का डेल्टा हो गया, तो डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा इज वेलोसिटी। जैसे अभी कार में वेलोसिटी समझे, डेल्टा भी वेलोसिटी है, उस वैल्यू चेंजेस विद चेंजेस इन टाइम, डेल्टा का वैल्यू चेंज होता है समय के साथ साथ, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जैसे कि निफ्टी 8000 चल रहा था, 8000 से 8300 का डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है,
इसके ऊपर डिपेंड करके डेल्टा चेंज होता है, पॉजिटिव चेंज होता है तो पॉजिटिव, नेगेटिव चेंज होता है तो नेगेटिव। तो सर ये तो डेल्टा हो गया, तो डेल्टा इक्वल्स टू बेसिकली क्या हो गया, डेल्टा इज बेसिकली वेलोसिटी को समझा रहा है, डेरिवेटिव के कार के डेरिवेटिव, मतलब नॉर्मल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट में जो हमने आपको कार के बारे में समझाया था। सो नाउ व्हाट अबाउट गामा, सर गामा इज एक्सेलरेशन, दो ऑर्डर डेरिवेटिव था याद है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था हमारा वेलोसिटी, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट अबाउट गामा, गामा क्या करता है, द गामा ऑफ एन ऑप्शन मेजर दिस चेंज इन डेल्टा, ये जो डेल्टा का जो चेंज है ना, फॉर द गिवन चेंज इन अंडरलाइन, डेल्टा का जो चेंज है इसको गामा डिनोट करता है, द गामा ऑफ एन ऑप्शन मेजर दिस चेंज इन डेल्टा फॉर द गिवन चेंज इन द अंडरलाइन, इन अदर वर्ड्स गामा ऑफ एन ऑप्शन हेल्प्स अस आंसर दिस क्वेश्चन फॉर ए गिवन चेंज इन द अंडरलाइन, अगर स्पॉट मार्केट में चेंज होता है व्हाट विल बी द कोरिस्पोंडिंग चेंज इन द डेल्टा फॉर द ऑफ द ऑप्शंस, गामा को देख के आप डेल्टा का चेंज को समझ सकते हो। सर कैसे, ये सवाल मन में फिर से आ गया, जैसे कि एक्सेलरेशन के ऊपर बेस करके वेलोसिटी चेंज होता है ना गाड़ी का, इक्वली गामा के बेसिस में गामा को चेंज को देख के आप डेल्टा को चेंज को समझ सकते हो। फॉर ए गिवन चेंज इन अंडरलाइन, अगर स्पॉट मार्केट बदलता है, अगर स्पॉट में निफ्टी बदलता है, व्हाट विल बी द कोरिस्पोंडिंग चेंज इन द डेल्टा, जिसके कारण डेल्टा ने बदला। Now let us replug the velocity and acceleration example and draw some parallel to delta and gamma. अब जो पॉइंट में आपको स्टार्ट किया था ना, उसी पॉइंट से फिर से खत्म करना, जो डेल्टा गामा को मैं आपको पैरेलली कंपेयर किया, इसके साथ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ, यहाँ पर दो डेरिवेटिव था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब आपका पोजिशन चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये कैप्चर हुआ था वेलोसिटी के थ्रू से। चेंज इन टाइम डीएक्स, सॉरी चेंज इन डिस्टेंस डीएक्स एंड चेंज इन टाइम डीटी एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशंस। चेंज इन प्रीमियम विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइन, चेंज इन प्रीमियम विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइन, निफ्टी का स्पॉट चेंज होना, सिंपल निफ्टी ले रहा हूं, कोई भी स्टॉक ले सकते आप, निफ्टी का अंडरलाइन चेंज होना, 8000 का निफ्टी 8300 में जा रहे हैं, इसके बेसिस में आपका डेल्टा चेंज होता है। चेंज इन प्रीमियम विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइन इज कैप्चर्ड बाय डेल्टा, और ये डेल्टा कैसे प्रीमियम को चेंज कराता है, वही तो मेरा लास्ट तीन क्लास का डिस्कशन है। हेंस डेल्टा इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द प्रीमियम। तो डेल्टा क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम किधर जाएगा, ये डेल्टा को समझने से आप समझ जाओगे, जो मैंने लास्ट तीन क्लास में बोला, स्पेशली सैटरडे वाला क्लास में तो और डिटेल्स है। Now what is second order derivative? Change in velocity with respect to change in time. Second order derivative क्या है? Change in velocity with respect to change in time is captured by acceleration. Velocity का change समय के साथ, and acceleration is called second order derivative of positions. Now again, change in delta with respect to change in underlying value is captured by gamma. चेंज इन डेल्टा विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइन वैल्यू, मतलब डेल्टा का परिवर्तन अंडरलाइन के चेंज के कारण, मतलब निफ्टी चेंज के कारण, ध्यान से बात को समझिए, निफ्टी के चेंज के कारण अंडरलाइन कौन है, निफ्टी, निफ्टी के चेंज के कारण डेल्टा में चेंज होता है, तो निफ्टी में चेंज के कारण डेल्टा में जो चेंज होता है उस चेंज को गामा डिनोट करता है, उस चेंज को गामा कैप्चर करता है, इसीलिए गामा हो जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द प्रीमियम। एज यू कैन इमेजिन कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एंड गामा, इसको हम लोग ऑप्शन ग्रीक कहते हैं, और जब आप ऑप्शन टेबल चेक करते हो तो आपको यहाँ पर ग्रीक के एक ऑप्शन दिखता है और इस पर आपको डेल्टा एज वेल एज गामा दोनों नजर आता है। अब इसको कैसे पढ़ना है ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, इसको रीड कैसे करना है और उस पर अप्लाई कैसे करना है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक। जैसे मैंने डेल्टा के बारे में बात ऑलरेडी कर चुका, इसी तरह से मैं गामा के साथ डेल्टा को कंपेयर कैसे करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, इसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट चर्चा में करूंगा। लेकिन आज मैंने आपको ये कोशिश किया समझाने का कि गामा है क्या, तो फिर गामा क्या हो रहा है, गामा तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है,
गामा यहां पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द प्रीमियम। प्रीमियम क्या बदलेगा, उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है गामा। बट गामा क्या करता है, निफ्टी के चेंज के बेसिस में डेल्टा में जो चेंज आता है उसको गामा कैप्चर करता है। तो ऑप्शन ग्रीक इसको बोलते हैं, इन्वॉल्व नंबर ऑफ क्रंचिंग एंड हेवी यूज ऑफ कैलकुलस। लेकिन पॉइंट इज सर कि हमें यहाँ पर कैलकुलस पे नहीं जाना है, ठीक है। हियर इज अ ट्रिविया फॉर यू, एज यू नो डेरिवेटिव आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव को डेरिवेटिव क्यों कहते हैं, बिकॉज द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट डिराइव्स इट्स वैल्यू बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव अंडरलाइन। मतलब स्पॉट मार्केट किधर जा रहा है इसके बेसिस में ही आपका डेरिवेटिव डिपेंड करता है, आपका ऑप्शन किधर जाएगा। सो दिस वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट डिराइव्स फ्रॉम इट्स रेस्पेक्टिव अंडरलाइन इज मेजर्ड यूजिंग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ये इसीलिए मैंने आपको डेरिवेटिव नहीं सिखाया, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव सिखाया एज ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। हेंस द रीजन व्हाई फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर रेफर्ड टू एज डेरिवेटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड। यू मे बी इंटरेस्टेड नो देयर इज अ पैरेलल ट्रेडिंग यूनिवर्स। एक ट्रेडिंग यूनिवर्स है, मतलब एक ट्रेडिंग एरिया है जिसको डेरिवेटिव कैलकुलस यूज करके ये लोग रेगुलर बेसिस में ट्रेडिंग करता है, कुछ जो लोग मार्केट को ये ऑप्शन ग्रीक को समझता है। अपॉर्चुनिटीज डे इन अ डे आउट, हर दिन इन द ट्रेडिंग वर्ल्ड सच ट्रेडर्स आर जनरली कॉल्ड क्वांट्स। क्वाइट अ फैंसी नोमेनक्लेचर आई मस्ट से। क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग इज व्हाट रियली एग्जिस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस माउंटेन कॉल्ड मार्केट्स। मार्केट में क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा जगह है। सो आई थिंक आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर आप ये डेल्टा और गामा को रीड करना सीख जाते हो ना, नॉट जस्ट डेल्टा गामा, मैं आपको थीटा भी समझाऊंगा, ठीक है। जैसे गामा का नेक्स्ट क्लास में मैं आपको गामा का इस्तेमाल सिखाऊंगा, ठीक है, गामा को कैसे रीड करना है और उसको कैसे अप्लाई करना है। आज तो मैंने बस आपको इतना सिखाया कि गामा है क्या। तो इन सिंपल गामा क्या है, इन सिंपल गामा क्या है, डेल्टा का चेंज, डेल्टा का चेंज ऑन द चेंज ऑफ स्पॉट। स्पॉट के चेंज के कारण डेल्टा में जो चेंजेस आता है उसको गामा रिप्रेजेंट करता है, उसको गामा रिप्रेजेंट करता है। इतना हम लोगों ने आज जाना। बट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको, जैसे मैं आपको डेल्टा में भी सिखाया, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मतलब गामा और डेल्टा दोनों को कैसे यूज करना है, दोनों एक साथ सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर ये देखो, जब भी आप कोई ऑप्शन ट्रेड करने जाओगे ना, आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन से शो करता है। जैसे कि मैंने लास्ट दिन डेल्टा के बारे में बताया था, जैसे ये निफ्टी है, इसका प्रीमियम भी चल रहा है, देखिए आप ये चेंज होता रहता है। सिमिलरली इधर पुट भी है, ठीक है, इधर कॉल भी है, इधर स्ट्राइक भी है। और आप अगर यहाँ पर ग्रीक को देखोगे, ये देखो मैंने ग्रीक पे कॉल क्लिक करते ही आपको यहाँ पर डेल्टा सबसे पहले है। अब इस डेल्टा को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर मैंने अभी आपको गामा के साथ बात की, लेकिन मेरा नेक्स्ट क्लास में यही टारगेट रहेगा कि ये गामा को कैसे यूज करना, ठीक है। गामा क्या है ये तो मैंने आपको समझाया, लेकिन गामा को यूज क्या करना है या कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर डेल्टा को देख सकते हैं आप, ये कॉल ऑप्शंस है, कॉल ऑप्शन डेल्टा 0 से 1 के बीच में है, देखिए अलग अलग स्ट्राइक। ये देखिए जितना मार्केट के क्लोज में रहेंगे, जितना मार्केट के क्लोज में रहेंगे आप डेल्टा को चेक कीजिए, ठीक है, 17,450, ठीक है, 17,550, ठीक है। अब देखिए 0.5 जो है ना वो बेसिकली मार्केट के क्लोज एरिया के आसपास होता है। जितना मार्केट और नीचे चला जाता है, स्ट्राइक जितना और नीचे चला जाता है स्पॉट से, उतना आपका डेल्टा, मतलब अगर स्पॉट ऊपर है स्ट्राइक नीचे है तो आपका बेसिकली मार्केट के डेल्टा जो है 1 की तरफ जाता है। और ठीक ऑपोजिट काम करता है जब मार्केट आपका हाई में, स्ट्राइक हाई में जाता है और मार्केट नीचे रह जाता है, ये बेसिकली पूरा 0 से 1 रेंज में घूमता है। ठीक पुट में ठीक ऑपोजिट काम करता है, ये मैंने डेल्टा में ऑलरेडी आपको लास्ट समझाया सर, ठीक है। लेकिन गामा क्या है ये तो मैंने समझाया, डेरिवेटिव कैसे होता है ये भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डेल्टा गामा का इस्तेमाल सिखाऊंगा। ये है डेरिवेटिव का अंदर का बात, कैसे अंदर से मार्केट ये सब चीजों को रीड करना सिखाते हैं। बोलिए सुमित जी, समझ में आया? थोड़ा लंबा डिस्कशन था, फिजिक्स के साथ थोड़ा रिलेशन था, क्या समझ में आया? हाँ सर, समझ आया सर। ठीक है फिर, ओके ज्योति, ओके देवजीत बाबू।
नेक्स्ट क्लास बहुत वाइटल है बिकॉज नेक्स्ट क्लास गामा का यूज सीखेंगे, ठीक। जैसे सैटरडे में हम लोग डेल्टा का यूज देखें, एप्लीकेशन देखें, सैटरडे में यूज सीखेंगे। हाँ बोलूँ देवजीत बाबू। বলছি স্যার আমার একটা প্রশ্ন, ধরুন আমি কল অপশনে হয়তো আমি কোনো কল নেব বাই করব, সেক্ষেত্রে আমি হয়তো ক্যান্ডেল স্টিকের চার্ট দেখব, দেখে মনে হবে যে বাজারটা বাড়বে কি বাড়বে না, আমি নিলাম, কিন্তু সেখানে কি গামা বা ডেল্টা কি আমাকে ফলো করে কোনো হেল্প করবে, যে গামা আর ডেল্টা দেখে যে বাজার বাড়তে পারে? হ্যাঁ কিন্তু আপনি গামা ডেল্টা দেখে বোঝা যাবে যে বাজার বাড়বে? হ্যাঁ কেন বোঝা যাবে না, ওই যে ডেল্টার ভ্যালু চেঞ্জ গুলোই তো ওখানে ডিনোট করবে। কিন্তু সেখানে তো স্পট মার্কেটে তো ভ্যালুটা চেঞ্জ হচ্ছে বলেই তো গামা ডেল্টা চেঞ্জ হচ্ছে। হ্যাঁ স্পট মার্কেটে ভ্যালুটা চেঞ্জ হচ্ছে বলেই গামা ডেল্টা চেঞ্জ হচ্ছে। তবে আমি কিন্তু এই গামার যে ডেল্টা বা গামার যে মুভমেন্টটা ক্রিয়েট হচ্ছে, এটা তো একটা মুভমেন্ট, একটা অ্যাক্সেলারেশন, কি হারে বাড়ছে, প্রথমে ধীরে বাড়ছে, পরে অ্যাক্সেলারেশন আরো বেশি বাড়ছে, সেটা বুঝলাম। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে আমি একটা ট্রেড নিতে গিয়ে আমি কোনো গামা আর ডেল্টাকে দেখে কি বুঝবো মার্কেট এই জায়গা থেকে বাড়বে? কিন্তু আমাকে তো সেই স্পট মার্কেটই দেখতে হবে, স্পট মার্কেট বাড়ছে কিনা। দেখুন সেটা তো নো ডাউট সব জায়গাতে, তো সিম্পল এক্সাম্পল এটা কি স্পট মার্কেটের মুভমেন্টটাকে বোঝাটাই তো পুরো খেলা। পুরো স্টক মার্কেটের খেলাটা এত বড় জিনিস আমরা বুঝছি, মানে আমি যদি একটু সিম্পলিফাই করি ব্যাপারটাকে, এত বড় জিনিসগুলোকে আমরা বুঝছি, তার বিভিন্ন প্যারামিটারকে আমরা বুঝছি, কিন্তু ম্যাটারটা হচ্ছে কি পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু পড়ে আছে ওই স্পট মার্কেটের মুভমেন্টকে বোঝার উপর, যেখানে আমরা টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস, যে জন্য আমরা বারবার বলি যে ওখানে যে ইন্ডিকেটার্সগুলো আছে, ওখানে যে ক্যান্ডেল স্টিকগুলো আছে, ওগুলোই আমাকে শর্ট টার্ম মার্কেট মুভমেন্টকে বুঝতে হেল্প করবে, ঠিক আছে। কিন্তু এই যে মার্কেটে যে ডেল্টা বা গামার যে এরিয়াটা, যেটা আমি স্যাটারডের ক্লাসে ডেল্টার ব্যাপারটা বুঝিয়েছিলাম, ডেল্টা আপনাকে কিভাবে হেল্প করছে এটা স্যাটারডের ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম, একবার স্যাটারডের ক্লাসটা করলে বুঝতে পারবেন যে স্যাটারডের ক্লাসে কিভাবে ডেল্টা আর গামা আপনাকে কিভাবে হেল্প করছে। স্পেশালি গামা এখনো আমি বলিনি, আজকে তো শুধু গামা কি সেটা বলেছি, ঠিক আছে। যেমন লাস্ট দিন আমি ডেল্টা কি সেটা বলেছিলাম, এবং ডেল্টার অ্যাপ্লিকেশন এটাও আমি শিখিয়েছিলাম স্যাটারডের ক্লাসে, যে ডেল্টাকে ইউজ করে আপনি কিভাবে আইটিএম, ওটিএম আর এটিএম, ইভেন আমি একটা অপশনসও দেখিয়েছিলাম কিভাবে ওটিএম জোনে কিনে, ওটিএম জোনে বাই করে কিভাবে একটা মানুষ আইটিএম জোনে পৌঁছচ্ছে। আপনি আপনি কলটা বাই করছেন ওটিএম এ আর আপনি বিক্রি করছেন আইটিএম এ গিয়ে, তো নরমালি এটা সাজেস্টেড হয় না, রিস্কি ট্রেড হয় খুব। আপনি ওটিএম এ বাই করছেন অথচ আপনি ট্রেড নিচ্ছেন, সেটা ওই স্পটের উপরে ডিপেন্ড করছে। কিন্তু ওই ওটিএম, আইটিএম বা এটিএম গুলো বেসিক্যালি আপনাকে হেল্প করবে মার্কেটটাকে অ্যাজিউম করার জন্য, কি আচ্ছা মার্কেট এইভাবে চলছে। এবারে এই যখন প্রত্যেকটা জিনিস কভার হয়ে যাবে না, যখন আমরা প্রত্যেকটা জিনিস কভার করে নেবো, তখন এই জিনিসগুলো আমাকে সাইড বাই সাইড একটা হেল্পিং হ্যান্ডের মতো কাজ করবে, যে আচ্ছা এই এই পজিশনে এই এই ঘটনা ঘটেছে, তাহলে এরকম ঘটনা আবার ঘটতে পারে। সেটা আমরা আস্তে আস্তে যখন পুরো ডেল্টা গামা থিটা পুরো জিনিসটা, অপশন গ্রিকটা যখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে না, আমরা আরো অনেকগুলো চ্যাপ্টার বাকি আছে আমাদের এরপর। ঠিক অপশন মার্কেটটা অনেক বড় মার্কেট, ঠিক আছে। এবারে এখানে যখন আমরা ধীরে ধীরে, আমি জাস্ট আপনাকে একবার দেখাচ্ছি আপনি বুঝতে পারবেন, আমরা এতদিন কি শিখেছি, আমরা এতদিন এটা শিখেছি কি বেসিক্স কি হয় সেটা শিখেছি, আমরা এখন জাস্ট অপশন গ্রিক শিখছি। এরপর আমাদেরকে এই যে গ্রিকের ইন্ডিকেশনস গুলো শিখতে হবে, গ্রিক ইন্টারাকশনস, যখন আমরা এই পুরো জিনিসটা শিখে যাব না, এই যখন আমরা এই গামা থিটা এগুলো শিখে যাব, তারপর আমরা গ্রিককে ইন্টারাকশন করতে শিখবো, গ্রিককে ক্যালকুলেট করতে শিখবো, ঠিক আছে, তখন এই জিনিসগুলোর উপরে ডিসকাশন করলে একটু সুবিধা হবে। কিন্তু এখন আমরা জাস্ট, ঠিক আছে, এখন জিনিসগুলো জাস্ট শিখছি, এরপর ওগুলোকে নিয়ে ইন্টারাকশন করতে শিখবো, প্রসেস বাই প্রসেস এগোতে হবে, নাহলে জিনিসগুলো বোঝানো খুব টাফ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। ঠিক আছে ঠিক আছে, একটু সময় দিন, ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক আছে, ওকে বাই ফের সবকো, হ্যাঁ বাই স্যার, ওকে। ওকে সুমিত জি বাই, হ্যাঁ।